क्यों पढ़ना इस बकचोदी में? मोदी जी सही कह रहे हैं, मोदी जी गलत कह रहे हैं। मैं बहुत करता था पहले, फिर एक बार मैंने मार खाई। दैट इज हाउ आई किल्ड माई गर्लफ्रेंड। बट ठीक है, इट्स ओके। तो मैं मतलब थोड़ा सा डिप्रेस हो गया, क्योंकि इनडायरेक्टली मेरा ब्रेकअप हो गया ना वो, मतलब मर गई तो हो ही गया फिर। तो मैंने सोचा कि मैं देखता हूँ ब्रेकअप होने के बाद क्या होता है। मैं बॉलीवुड देखने लगा, मैंने देखा बॉलीवुड में ब्रेकअप होने के बाद क्या करते हैं, वो लोग नस काट लेते हैं। मैं ले आया ब्लेड, मैं कहा मैं भी काटूंगा, मैंने काट दी। वो बहन के लोड़े ये नहीं बताते कि दर्द भी होता है। और बॉलीवुड बहुत ख़राब है, मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। जैसे आपने देखा है बॉलीवुड में बहुत ज़्यादा बायोपिक्स बन रही हैं, पहले तो अच्छी चीज़ों पे बन रही थी, सचिन पे बन गई, धोनी पे बन गई, मिल्खा सिंह पे बन गई। फिर मैंने देखी संजय दत्त की बायोपिक, देखा संजय दत्त की बायोपिक, कैसे क्या सीखूँ मैं? दो दिन शराब पी के तो मेरे घर के आगे पढ़ा रहा था ये। मैंने देखी अपने पापा के साथ, जा रहा है ना माइक बार बार ये वाला। हेलो, अब सही है? तुम लोग हंसते रहो यार, ऐसे चुप सा लगता है। मैं तो इसके बिना भी सुना दूंगा, ये सब तो सिर्फ बस छूटिया पाई है। तुम आर्टिस्ट देखो ना, इक्विपमेंट्स तो खराब होते रहते हैं। तो पॉलिटिक्स खराब है तो क्या हुआ, मोदी जी तो अच्छे हैं। अच्छे कॉमेडियंस को जोक्स नहीं चाहिए होते। तुम बड़े प्यारे हो यार, ड्रीम्स तो बाहर आ रहे हैं इनके। आपका टॉमी भी नीचे से ऊपर आ गया। ये तुमने मेरी बात भी आओगे स्टेज पे? मैं तुम ही हंसा लो, मैं छूती हूँ जो एक साल से कर रहा हूँ। ये भाई अपने घर से अपने ही जोक्स लेके चले, ऐसे 30 लोग हैं, 30 अपने अपने सुना देते, फिर हमारी क्या जरूरत है। और ये टॉमी हिलफिगर है, ये ऐसे ड्रीम्स की टी शर्ट नहीं है ये। बाकी सब तो ठीक है, सोम बाजार में नहीं मिलती बस। अरे मजाक करो, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? नहीं नहीं भाई, कोरोना है यार। मैं मिला देता, सच कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल भी रूड नहीं हूँ, ऐसा तुम्हें लग रहा होगा, पर महंगी आती टॉमी, ठीक है। नहीं नहीं, अब मैं कहाँ पे था, मैं भूल गया। देखिए मैं फूक के आता हूँ, ऐसे इंटरप्ट मत कर, रिकॉर्डिंग हो रही है आज। माइक खराब हो गया, कोई बात नहीं यार। हाँ माइक खराब हो गया, उससे पहले क्या ये थोड़ी ना पार्ट था, मैं लिख के लाया था कि तार उखाड़ दूंगा। बतख वाला, पुलिस वाले की बतख। अरे नहीं यार, तू पीछे रह रहा है। बायोपिक सुना दिया मैंने, संजय दत्त की बायोपिक। मैं और बाबा बैठ के देख रहे थे, पापा कह रहे देख रहा कितना नशे कर रहा है, नशे छूट भी नहीं रहे इससे। मैं कहा वही तो इतना मजा आ रहा है। कह रहे कोई चिंता ही नहीं अपने घर परिवार माता पिता की, मैं कहा यही तो चाहिए। मैं सोचा मैं करूँगा नशे, बाकी सब गया भाड़ में। तो मैं और मेरा एक दोस्त है हुसैन, तो हमने मिल के किए नशे, और अब हमें जाना था राजस्थान, क्योंकि किसी ने बताया था कि ऊँट की सवारी करने से प्रैक्टिस हो जाती है। पर हमें प्रैक्टिस करनी है। तो उन्होंने कहा तू एक काम कर, तू कैब बुक कर। मैंने कहा ठीक है, मैंने ओला निकाला, मैंने कैब बुक कर दी। उसका फोन आया, कह रहा कहाँ जाना है? मैं कह राजस्थान। कह रहा वो गंजेड़ी क्या है तेरा रोज रोज का? मैं कह रोज रोज का मतलब? कह रहा कल तुमने पाकिस्तान की कैब बुक कर दी थी। मैं कह ब्रो वो तो जान के करी थी ना, क्योंकि इंडिया में अभी जिस तरह दंगे चल रहे हैं, पाकिस्तान सेफ है, वहां चले जाओ,
फिर सीए से वापस आ जाना। क्यों पढ़ना इस बकचोदी में? मोदी जी सही कह रहे, मोदी जी गलत कह रहे। मैं बहुत करता था पहले, फिर एक बार मैंने मार खाई। अब अमित शाह की फोटो है मेरे घर में, मंदिर में लगा रखी है।